पश्चिम बंगाल में आज टीएमसी के लोगों ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर पथराव किया और बीजेपी के कई नेता भी इसमें घायल हुए हैं। घटना के बाद जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता सरकार पर हमला बोला। अभी नड्डा ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल की गुंडागर्दी वाली राजनीति पर भी निशाना साधा है। आपको सुनाते हैं। ममता जी हमेशा सच्चाई को छुपाने का प्रयास करती हैं। यहाँ बंगाल में अराजकता प्रकाष्ठा पर है, लॉलेसनेस स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है और ये ममता जी के आशीर्वाद से सब कुछ हो रहा है, यही हमको देखने को मिला है। लेकिन बंगाल की जनता जागृत जनता है, वो चुनाव में जवाब देना जानती है और उन्होंने तय कर लिया है ममता जी की जमीन खिसक चुकी है, इस कारण से उनको बौखलाहट है। आगे सर किस तरह से आप लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे? आगे हमारी लड़ाई प्रजातांत्रिक तरीके से होगी और प्रजातंत्र में विश्वास रखते हुए जनता के बीच में हम जाएंगे, सारी बातें हम रखेंगे और जिस तरीके से झूठ ममता जी ने फैलाया है और लोगों को गुमराह किया है और लोगों के विकास के काम को रोके हैं वो जनता तक पहुंचाएंगे, जनता का आशीर्वाद। राष्ट्रपति शासन की बात कर रहे हैं, हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ते हैं। यूपी के मेरठ में एक घर में 5 लाश का रहस्य क्या है, हैरान करने वाली खबर। ब्रेक के बाद।